अज आप पहुंचे हाँ बटाला रोड से जिथे कि राइडर चाह वाला बड़ा फेमस है क्योंकि ठंड का जिहड़ा माहौल सीगा ते ठंड दे विच अगर चाह मिल जाए तो सोने ते सुहागा हुंदा है। ते आपां राइडर चाह ते पहुंचे क्योंकि ये बड़ी चाह बड़ी फेमस हैगी आ। अज दा दिन जिहड़ा है वो राइडर चाह वाले दे नाल है ते आपां अंदर जांदे आ ते राइडर चाह वाले दे नाल मुलाकात करदे आ ते पुछदे आ कि आखिर ये सारा सिस्टम किदां चलिया ते किवें होया। राइडर चाह वाले दे कोल आपां पहुंच चुके हां। मेरे ख्याल नाल मेरा वीर चाह बना के डिया, बड़ी तेज बनांदा है चाह। ए की हाल है वीर? बहुत वधिया सर, बहुत। नाम की आ पहले दस्सो यार। सर मेरा नाम विपन है। विपन, ए कंसेप्ट किदां आया जिहड़ा राइडर चाह? पहले तो नाम दसो, राइडर चाह वाला क्यों रखा नाम? सर राइडर चाह वाला इसे नाम रखा अपना, जिवें मैं राइडिंग वगैरह करता, मैं काफ़ी टाइम तो 2016 तो मैं राइडिंग करता आ रहा वहाँ। उस वे तो जो राइडिंग दे बेस दे विच मेरा बाइक राइडिंग वगैरह जो चीज़ मेरा पैशन, मेरा एक जनून है, मेरे पूरा वर्ल्ड घूमना है। तो उस चीज़ में लैके जिवें लोगों के नज़रों के मैं राइडर कह लगते हैं कॉलेज राइडर की हाल है तो बाइक उस हिसाब से लुक के हिसाब से मेरे बाल पहले बहुत लंबे रखे हुए थे तो जूड़ा करता जिसे उस जगह मैनु बहुत कुछ मिलिया, बहुत प्यार मिलिया, बहुत नवे नवे लोगों ने मिलने मिलिया। तो मैं घरदियां ने तो बहुत ज्यादा क्या नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो मगर ता भी मैं करता रहा। ते मेरे पापा ने भी उत्थे आके काफ़ी बहुत बोले भी मैंने उस जगह दे विच, ते कहंदे यार तू क्यों बेइज्जती करा रहा है, मेरे घर बैकग्राउंड बहुत वधिया है मेरा, इदां दी नहीं गाही कि मैं रेडी रेडी मतलब घरों सारा कुछ वधिया सीगा, फिर भी मतलब ये सीगा कुछ अपने सिर ते स्टार्टअप को शुरू करना है। हाँ, एक जनून सी है मैंने, एक तुसी आप सोचो जब मैं जॉब करदा या फिर मैंने घूमन का शौक है, जिन्हें जॉब करनी जॉब करदा है, मगर जब मैंने घूमन का शौक है तो मैं कहते घूमन के शौक दे विच अपना जॉब कर नहीं सकता। हाँ। तो मैं 10-10 दिन वास्ते कोई छुट्टी नहीं देगा। हुण अपना काम स्टार्ट किया, जो तो मैं मन किया मैं जा सकता हूँ। हाँ, अपना एक जो मेरा बचपन तो मेरा सपने है जो वो मैं पूरे कर सकता हूँ, मगर जॉब दे विच नहीं कर नहीं सकता। अच्छा, ए, अपना किन्नी स्टडी की थी, कितों तक स्टडी वगैरह की थी? सर मैं कहते पिछले साल ही मैं एमटेक क्लियर की थी। ओके, क्या बात है। एमटेक करने वाला चाह वाला कह सकते हैं है ना, एमटेक करके चाह वाला है ना। तो भाई ये ना ये चाह दे विच की पाते हो, इन्नी टेस्ट बन जाती है, लोग दूरों दूरों आते हैं। ये पहले तो ये दसो भी कंसैप्ट की है, कितों ये कंसैप्ट लिया सी जो कुल्हड़ चाह वाला तंदूरी चाह वाला? मैं काफ़ी जगह दे ना राइड किए, तो मैं जिमें कि अपना सोच लो तुसी जयपुर हो गया और बिहार साइड हो गया, मैं काफ़ी उन्होंने जगह से मैंने ना उतना कूलर के चाह पीना पसंद आ गया। अच्छा। तो यार मैं बोलिया यार एक कुछ इदा का कॉन्सैप्ट अपने एक शहर के भी स्टार्ट करिए। उस वेले कोई कूलर वाला नहीं है जिस समय मैं स्टार्ट किया इस अमृतसर के, उस वे मैं पता भी नहीं, मैं कभी मिली भी नहीं। मैं जो चीज़ मैं जयपुर जगह के या फिर बिहार जाके जो चीज मैं कूलर दे रहे टेस्ट मिलता पे मैं इतने नहीं मिलता पे। अच्छा। तो मैं सोचा यार कुछ इदा कर, मैं जो मेरे वर्ग होर भी कई लोग होंगे जेड़ा इदा दी चाह पसंद करते होंगे, तो मैं उस चीज़ नू स्टार्ट करा, एक अलग चीज लेके आवां लोगों के लिए। तो फिर मैं उस चीज़ नू स्टार्ट किया, मैं मैनू मेरी भी चाह पूरी होगी तो लोगों भी कूलर दे विच आ। ये तुहानू पता एक मिट्टी है, इसी पानी मिट्टी देश दी मिट्टी चुम्मन नू मिल रही है, चाह दा टेस्ट एवें नहीं बन जांदा क्योंकि देश दी मिट्टी ते चाह दो मिक्स होके बनते हैं, ता करके देश की मिट्टी सानू वैसे चंगी लगती है, बहुत पसंद है। और जी चाह है वो चाह दे नाल चाह हो जाए तो बड़ा मजा आ जाता। अच्छा, ये अपना राइडर चाह वाले की चाह बड़ी टेस्ट है, आप चाह भी पीवेंगे, पहले मैं दस दो रेसिपी की हैगी है, किदा किदा बनाते हैं अपनी चाह पत्ती? दो पाते चाह पत्ती होगी अपनी, तो अपना यूज शुगर करते हैं अपने सामना, थोड़ा जा गुड़ पाई दा, थोड़ा फ्लेम वास्ते इनू रख दी दा अपना, थोड़ा उबाला आने तो बाद अदरक जवैन सारा कुछ पाई दा, अदरक अपना अदरक हो गया, इनू जो थोड़ा उबाला आएगा उदो पा देंगे इस
हाँ बस रेडी है, बस दो के इन थोड़ा काट दी, काटने तो बाद थोड़ा टेस्ट बढ़िया आ जाता। पहला इस तैयार किया जाता है तो तैयार जो तंदूर के कुल्लड़ पे होंगे अपने वो चीज़ में पूरा की कहते हीट किया जाता कुल्लड़ा कुल्लड़ा हीट करने तो बाद ना जो की कहते उस तो चाह वे पा के जो उबाला मार के आती है उस चीज़ में तंदूरी चाह किया जाता है। तो तंदूरी चाह का यह है बस स्मोकी फ्लेवर आ जाता है तनु कहते काफ़ी चीज़ों तुम देखने मिलेगा काफ़ी अलग टेस्ट मिलता है काफ़ी चावल पिछों तो इसे काफ़ी टेस्ट भी होंगी है। मेरे को अपनी क्या कहते तंदूरी चाह के है सत्त फ्लेवर है जिमें रोज चाय होगी देसी चाह होगी तो अपनी कैरमल होगी तो होर भी कई जी कहते बटर स्कॉच होगी और अपना एप्पल होगी सारी तैयार करी दे मगर इस वेले असी की कहते सत्त चाह ही तैयार कर रहे हैं जिमें रोज़ सब तो ज़्यादा मेरी विकन वाली रोज़ एंड कैरमल चाह है। टोटली जे अपना जो चाह तैयार करते हैं तो टोटली 10 मिनट तो लग जाते हैं पूरी चाह तैयार होने अही ताज़ी बना के दे दी है कहते कस्टमर कहते पई हुई चाह न कहते एक वधिया नहीं लगता टेस्ट ही चेंज हो जाता है असी उस वे ताज़ी तो तैयार करी दी कहते जो अमूल दूध यूज़ करता वा ठीक है उस थोड़ा पानी वगैरह उस अदरक कहते चाह पत्ती सारा कुछ पा के उस अलावा मसाला जो मैं तुम इस पिया रहा वहाँ तो उस मैं ना कोई मसाला पाया ना कुछ पाया अदरक पाई है उस चीज़ में आप सोच सकते हो कहते जे वधिया तरीके बनाई जाए वधिया कहते हर चीज़ क्वांटिटी दे हर चीज़ क्वालिटी के नाल दी जाए हर चीज़ कहते मेयर करके दी जाए यार वो टेस्ट आपे आ जाता वा ये सौखा मतलब प्यार दे नाल एक एक सब तो बड़ी गल है कि प्यार दे नाल जरूर जरूर प्यार दे नाल एक यार ये नहीं फटाफट कस्टमर आया फटाफट जे ज्यादा कस्टमर है तो टाइम दो उनको ये जे तुसी पैसा खर्च रहे उस चीज़ का पूरे टाइम दो तो मैंने तुम वधिया ही चाह दो तो मेरे नाल हुण जो पूरी टीम जुड़ गई है ना वो मेरा बहुत साथ दे रही है मैं इसे इसकी फ्रेंचाइजियाँ खोलने लग गया वहाँ हूँ इसनों भी बहुत बड़ा करने लगा वहाँ मेरा रंजीत एवन्यू ओपन होने वाला है लखनऊ ऑलरेडी ओपन हो चुका है राइडर्स चाय वाला है ठीक है और कई लोगों के लोगों होर बड़े लोग इतने भी मैं पॉक करते हैं इतने मैं बहुत चीज़ा करते हैं और एक साडा एक बंदा है जो टीम का मैंबर है अंदर एक और ने कहते इन्होंने काफ़ी साथ दिता इन्होंने एक पारस भी ने उन्होंने भी काफ़ी साथ दिता है जिन्होंने मैं उस जगह से इस जगह से लिया काफ़ी बहुत मुश्किल शौक सर मैं तुम्हें एक चीज़ दसदा कि इंसान दे इंसान वो कम करना चाहिए जिस मज़ा आए मैं आ काम से इन्ना मज़ा आ रहा ना तो तुम सोच नहीं सकते पैसे कमा रहे हो पैसे सर पैसे तो जिंदगी भर कमाते रहना मुना कहते अही नौकरी करके कमा लेना मगर जो प्यार कमाना ना वो बड़ा औखा है और लोगों के अंदर प्यार के दिलों से बसना लोगों के लोग नए नए लोग मिलना तुसी मिले मैं या फिर होर भी कई टूरिस्ट आते हैं अमृतसर एक टूरिस्ट प्लेस है अमृतसर गोल्डन टैंपल के करके लोग बड़ी दूरों दूरों आते हैं तो उन्होंने मिलना उन्होंने गल करनी काफ़ी चीज़ें सीखने मिलनिया सर मैं एक जॉब करके नहीं कर सकता सी। अच्छा ये टूरिस्ट आने ने अमृतसर दे विच क्योंकि टूरिस्ट हब है अमृतसर और गोल्डन टैंपल है इत्थे इत्थे जलियांवाला बाग है वाघा बॉर्डर है सारे देखने आते हैं घूमन आते हैं दुर्गियाना मंदिर भी है राम तीर्थ वाल्मीकि तीर्थ है सारे मतलब देश विदेश तो इत्थे लोग टूरिस्ट आते हैं घूमते हैं और इंजॉय करते हैं नाल नाल खाण पीन दे विच अमृतसर सब तो अगे है तुहानू पता ही है। एक गल होर तुसीं साडे दर्शकां नूं कुछ मैसेज देना चाहो कि कई बार की हुंदा कई लोग कहिंदे ने कि काम छोटा वड्डा हुंदा है हाँ जी इहदे बारे सर काम मैं तो मैं जिस मेरे फादर साहब गवर्नमेंट इंप्लॉय है ठीक है मैं उस हिसाब न मैं स्टडी की एक एटीट्यूड आ गया होंगे स्टडी के बाद यार नहीं मैं आ जॉब नहीं आ काम नहीं करना यार रेडी नहीं करवा मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कुड़ियाँ ने मुंडे ने उन्होंने मेरा साथ दिता है कि कहते यार कुछ नहीं होंगे यार तू कर मैं है ना इदा दोस्त हो परिवार वाले तुम पता है हमेशा कहते कहते यार मेरा मुंडा वधिया ही जॉब करे जो इन्ना पढ़ाया तो उस हिसाब ना वही जॉब करे तो मगर
छोटा काम नहीं होता, सो छोटी होती है। एक छोटा स्टार्टअप जेड़ा है बहुत बड़ा होने वाला है और साड़िया जिहड़ियां शुभ इच्छावां जिहड़ियां ने राइडर चाह वाला दे नाल ने, क्योंकि नाम बाय नेम नहीं असीं कहांगे, असीं इहदे स्टार्टअप नूं जेड़ा है शुभ इच्छावां देवांगे। चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना, ते फेसबुक ते अगर वीडियो वेख रहे हो ते फॉलो करना ना भुलना, वीडियो नूं शेयर कर दो, वध तों वध शेयर कर दिओ, ते शेयर करके आउण वाले नूं कोई ऑफर दे दिओ। जरूर जरूर, की कहंदे आ जो भी मेरे वल्लों चाह फ्री जिहड़ा वीडियो नूं शेयर करके आएगा उहदा स्क्रीनशॉट आ के दिखाएगा, दसेगा कि असीं खबर हर पल इंडिया ते वीडियो देखा है, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣੇ ਆਏ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਨਾਬ, ਚਾਹ ਤੰਦੂਰੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜੇ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੀ ਕੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਬੁੱਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ ਬਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਜਨਾਬ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੇਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਕੱਪ ਮੰਗਾ ਲਏ ਚਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਾਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦੋ ਕੀ ਚਾਹ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲ ਜੇ ਉੱਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਅੱਜ ਅਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਬੜੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਾਈਡਰ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ, ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦੂਰੀ ਆ ਬੜੀ ਟੇਸਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਵਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੜਕੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਤੰਦੂਰੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਫੜਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਕਰਾਰੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਚਾਹ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੀਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ, ਸਟਾਲ ਦਾ ਰਾਈਡਰ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵਿਜਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਗਰ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਡਵਿਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚਾਹ ਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।